प्रदेश आज के इतिहास पर नजर डालेंगे। 3 अप्रैल 2024 का दिन है, 1680 भारत की बात करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या बात। आज के दिन इनका निधन हुआ था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक 50 वर्ष की आयु में उन्हें कुछ बीमार थे वो, और जो रायगढ़ फोर्ट है वहाँ पर ये थे, वहाँ पर इनका निधन हुआ। देखिए मुगलों से लड़े कि समय पे, ये सिर्फ हम ज़्यादा वही जानते हैं कि मुगलों से है ना जी जो हुआ था, या फिर वो कैसे कैसे निकले थे आगरा के किले से, वो सारी चीज़ें। पर उसके अलावा भी उन्होंने एक ही समय में किस किस से संघर्ष किया। देखिए मुगलों से किया, गोलकुंडा के सुल्तान वहाँ पे, बीजापुर की रियासत से, और जो यूरोपियन थे, फ्रेंच थे या अंग्रेज थे, क्योंकि इनका समंदर से लगा हुआ था सारा कुछ, तो वहाँ पे पूरा उन्होंने डिफेंड किया और छत्रपति की उपाधि उन्होंने धारण की, और से उन्होंने सबने स्वीकार भी किया। आज भी स्वीकार करते हैं कि बहुत अप्रतिम योद्धा थे। नेवी जो इन्होंने बनाए थे राजेश, वो बेजोड़ है भारत के इतिहास में। और अब तो हम जानते हैं कि नेवी के जो फ्लैग हैं, अभी पीछे जो शिवाजी महाराज थे उनकी नेवी से वहाँ पे हमने चिन्ह लिया है। चलिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन आगे बढ़ना होगा। 1973 मोबाइल सेलफोन, आपके मोबाइल फ़ोन ज़रूरत हर घर की, क्योंकि अब तो बहुत सी सरकारी योजनाएं भी अब तब तक उन तक एक्सेस आसानी से नहीं पा सकते हैं जब तक आपके पास स्मार्टफोन नहीं है। आज के दिन क्या हुआ था, आज के दिन मोबाइल फ़ोन से पहली कॉल हुई थी। ये जो आप सज्जन देख रहे हैं इन्होंने की थी, और इनका नाम है मार्टिन कूपरा। मोटोरोला के ये इंजीनियर थे, इन्होंने ही इस फ़ोन को ईजाद किया था जो आप इनके लेफ्ट हैंड में देख रहे हैं अभी। लगभग एक ईंट जो होती है उसके आकार का था ये। ये पहली कॉल कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, AT&T कंपनी जो है राजेश उनके मुखिया को कर रहे हैं, और उनका नाम था जोएल एंजल। उन्हें क्या बता रहे हैं इस कॉल के माध्यम से। एक तो देखिए मोबाइल फ़ोन से, हैंड हेल्ड मोबाइल फ़ोन जो है, पहले उससे पहले और अमेरिका में आ गया था कि ये जो हमारे हैंडसेट होते हैं इंटरकॉम वाले, ऐसे जैसे आ गए थे, लेकिन ये जो मोबाइल फ़ोन है कोई तार नहीं कुछ नहीं, इससे ये फ़ोन करते हैं। और ये एंजल साहब को बोलते हैं जोएल को कि जोएल मैं मोबाइल फ़ोन से बोल रहा हूँ, सेल फोन से बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंट सेल फोन। जी हाँ बिल्कुल वही है। ये क्यों कहा था उन्होंने, क्योंकि AT&T भी इसी फ़ोन को बनाने में लगी हुई थी, तो एक मजाक में उन्होंने कहा था। बाद में इंटरव्यू में उन्होंने कई सारी चीज़ें कही। आज के दिन ये पहली कॉल हो गई थी, लेकिन फिर भी जनता तक आते आते 10 साल लगे थे इस फ़ोन को, है ना जी। तो 1973 मान लीजिए, 1984 के या उसके बाद 85 में फिर ये अमेरिका से शुरू हुआ था सिलसिला, भारत में आते आते तो फिर आप समझे 90s के जो लेटर हाफ है उसमें आए थे। तो जी ये आज का इतिहास है अमेरिका से। 2016 पीछे अगर आपको याद हो तो एक बड़ा भूचाल मच गया था पूरी दुनिया में, भारत का भी कुछ नाम आए थे उसमें, लेकिन बाकी जगह बहुत ही बड़ी बड़ी मछलियां सामने आई थी, वो थे पनामा पेपर्स। राजेश क्या था, पनामा की एक लॉ फर्म थी, उस लॉ फर्म के जो पेपर थे वो किसी को मिले, फिर उस पर दुनिया भर के जर्नलिस्ट इकट्ठे हुए, 80 देशों के लगभग उन्होंने वो कागज़ खंगाले एक साल तक, और आज के दिन वो रिपोर्ट प्रकाशित होती है पहली किस्त उसकी। इस लॉ फर्म के पास जो भी लोग थे, वो कौन लोग थे, वो बड़े बड़े पैसे वाले लोग विभिन्न देशों के, पूरी दुनिया के, उन्होंने क्या किया था, अपने देश के टैक्स से बचने के लिए पनामा में पैसे लगा दिए थे, क्योंकि वहाँ पे टैक्स रेजीम जो थी, पैसे थे जो, वो सस्ते थे। पर इसमें देश का हाथ नहीं था पनामा का, इस लॉ फर्म का था। बाद में पनामा ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया था कि आप पनामा पेपर्स क्यों बोल रहे हैं, आप लॉ जो फर्म है जिसने ये घोटाला किया है उसको बोलिए, फिर वो भी किया गया था खैर, लेकिन तब तक नाम जो था मशहूर हो गया था। राजेश 2,14,488 लोगों का ये डाटा था जो पूरा छपा था, और ये दुनिया भर के लोग थे, और ये ऐसा नहीं थे कि उसी समय के थे, ये 1970 से लेकर दिसंबर 2015 तक लोग थे जिन्होंने या तो पैसा रखा था या अभी भी उनका पैसा मौजूद था। और जब वो चीज़ें सामने आई थी तो बहुत ज़्यादा हंगामा मचा था, हम सब जानते हैं भारत के भी नाम इसमें आए थे।